कानपुर देहात के अकबरपुर थाना के अंतर्गत एक गौ रक्षा की हत्या कर उसको खूंटी से टांग दिया गया। जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने सारे सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है व हंगामा किया है। मूल रूप से अकबरपुर के ज्योतिषी गांव में रहने वाले गौ रक्षक राजेंद्र वेदी 50 वर्ष घर के बाहर एक मंदिर में सोते थे। देर रात खाना खाने के बाद वह मंदिर परिसर में जाकर सो गए थे। सुबह उनका शव मंदिर में एक खूंटी से टंगा हुआ मिला। जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। पति की मौत के बाद पत्नी लाली बदहवास हो गई, जबकि बेटा अंकित व बेटी प्रगति रो रो कर बुरा हाल कर बैठे हैं। सूचना पर सीओ सदर प्रभात कुमार, अकबरपुर कोतवाल प्रमोद शुक्ला मौके पर पहुंचे। सीओ की पूछताछ में परिजनों ने गांव के लोगों पर हत्या का आरोप जताया है। सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि गांव के शिव कुमार, राधेश्याम, उदयनारायण, धर्मेंद्र व ओम प्रकाश और 10 अज्ञात लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजन जो भी आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं, उन सभी आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच में अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।